दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म संघर्ष से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। संघर्ष एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 3 सितंबर 1999 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, आशुतोष राणा, प्रीति जिंटा, अमन वर्मा, विश्वजीत प्रधान और मदन जैन। इस फिल्म को लिखा था महेश भट्ट और गिरीश धामीजा ने, प्रोड्यूस किया था मुकेश भट्ट ने और फिल्म को डायरेक्ट किया था तनुजा चंद्रा ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने और गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने इस फिल्म में रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक काफ़ी अच्छा था और बहुत ही मेलोडियस था और इसके गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। फिल्म के कुछ गाने उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुए थे और फिल्म के कुछ गाने लोग आज भी अपने खाली टाइम में सुनना पसंद करते हैं। फिल्म के कुछ बहुत ही पॉपुलर गानों में से गाने थे मुझे रात दिन, दिल का करार हो गया, नाराज सवेरा है, मंजिल ना हो, हम बड़ी दूर और नज़दीक सवेरा है। फिल्म के इन सुपरहिट गानों में अपनी आवाज़ दी थी कुमार सानू, सोनू निगम, शारदा प्रधान, जसपिंदर नरूला और रेमो फर्नांडिस ने। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 4 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ 97 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 10 करोड़ 58 लाख रुपए और ये एक बिलो एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने उस टाइम पर बहुत सराहा था। फिल्म में अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा और आशुतोष राणा की एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म का टॉपिक बॉलीवुड की नॉर्मल फिल्मों के टॉपिक से थोड़ी अलग था। इस वजह से ज़्यादातर लोग इस फिल्म को देखने सिनेमाघरों में नहीं गए थे और ये फिल्म उस साल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में 31वें नंबर पर थी और 2 घंटे 7 मिनट की इस फिल्म को 6.8 out of 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, ये फिल्म महेश भट्ट के प्रोडक्शन की फिल्म थी और इस फिल्म में महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट ने प्रीति जिंटा के बचपन का कैरेक्टर प्ले किया था और फिल्म संघर्ष से ही आलिया भट्ट ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और इसके बाद उनकी बतौर एडल्ट डेब्यू फिल्म सन 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म में लीड एक्टर का रोल सबसे पहले शाहरुख खान को ऑफर हुआ था, लेकिन शाहरुख खान ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उनकी महेश भट्ट के प्रोडक्शन के साथ आई पिछली फिल्में सन 1996 में चाहत और सन 1998 में डुप्लीकेट बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थीं। इसके बाद इस फिल्म के लिए अजय देवगन को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन अजय देवगन भी इस फिल्म में काम नहीं कर पाए थे और एक टाइम पर इस रोल के लिए राजीव पॉल को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारण से वो भी इस फिल्म से नहीं जुड़ पाए थे। और फाइनली इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर अक्षय कुमार को कास्ट किया गया था, जिनके लिए उस टाइम पर ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई थी क्योंकि अक्षय कुमार की पिछली बहुत सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थीं। इस वजह से बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अक्षय कुमार को अपनी फिल्म में कास्ट करने से बचने लगे थे, लेकिन सन 1999 में आई अक्षय कुमार की फिल्म संघर्ष और जानवर में अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग के बाद अक्षय कुमार को बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों के लिए अप्रोच करने लगे थे। हालांकि फिल्म संघर्ष में अक्षय कुमार के कैरेक्टर से ज़्यादा रोल प्रीति जिंटा का रखा गया था, लेकिन फिल्म में अक्षय कुमार की एक्टिंग काबिले तारीफ थी। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में विलेन लज्जा शंकर पांडे के कैरेक्टर में हमें आशुतोष राणा नजर आए थे, जिनकी दमदार एक्टिंग ने लोगों के दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ी थी। एक्चुअली आशुतोष राणा महेश भट्ट और तनुजा चंद्रा से काफी पहले से जुड़े हुए थे और इस फिल्म के पहले महेश भट्ट की कई फिल्मों में बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर प्ले कर चुके थे और महेश भट्ट के प्रोडक्शन की ही सन 1998 में आई फिल्म दुश्मन में भी आशुतोष राणा ने गोकुल पंडित नाम के विलेन का कैरेक्टर प्ले किया था और इस फिल्म को भी तनुजा चंद्रा ने डायरेक्ट किया था और आशुतोष राणा के द्वारा निभाए गए इन दोनों ही फिल्मों में विलेन के कैरेक्टर के लिए उन्हें 2 बार बेस्ट विलेन के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। फैक्ट नंबर 4, महेश भट्ट इस फिल्म का टाइटल पहले अंधेरा रखने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया और जब वो फिल्म संघर्ष की स्टोरी लिख रहे थे उसी टाइम पर वो अजय देवगन के साथ अपनी फिल्म जख्म की भी शूटिंग कर रहे थे और एक पॉइंट पर महेश भट्ट अपनी फिल्म संघर्ष का नाम जख्म रखने पर भी विचार कर रहे थे, लेकिन बाद में तनुजा चंद्रा और महेश भट्ट ने इस बारे में डिस्कस किया और फाइनली फिल्म का नाम संघर्ष रखा गया था। हालांकि महेश भट्ट ने इस टाइप के बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम पर पहले ही रजिस्टर कर रखे थे और संघर्ष नाम का टाइटल भी महेश भट्ट के पास बहुत पहले से था और इसी वजह से सन 1990 में आई अनिल कपूर की फिल्म
जीवन एक संघर्ष का नाम पहले वो संघर्ष रखने वाले थे, लेकिन ये टाइटल महेश भट्ट के पास पहले से ही रजिस्टर था, जिस वजह से फिल्म का नाम उन्होंने जीवन एक संघर्ष रखा था। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म से अमन वर्मा ने भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म के अंदर अक्षय कुमार के कैरेक्टर का नाम अमन वर्मा ही रखा गया था और फिल्म में वो प्रीति जिंटा के बॉयफ्रेंड बने हुए दिखाई दिए थे। हालांकि इस फिल्म के लिए पहले प्रीति जिंटा की जगह पर करिश्मा कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से वो फिल्म से नहीं जुड़ पाई थी, जो कि तनुजा चंद्रा के साथ सन 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है में एक साथ काम कर चुकी थी, जिसमें तनुजा चंद्रा ने फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था। और फाइनली इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर प्रीति जिंटा को साइन किया गया था। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना दिल का करार हो गया। इस गाने का कुछ कुछ म्यूजिक यूज किया गया था सन 2003 में आई फिल्म हंगामा के एक गाने परी परी है एक परी वाले गाने में। और फिल्म संघर्ष का एक दूसरा पॉपुलर गाना मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, एक्चुअली इस गाने का कुछ कुछ म्यूजिक लिया गया था सन 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना के गाने मुझे देखकर आपका मुस्कुराना के म्यूजिक से। इन दोनों ही गानों की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप इनको चेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, फिल्म संघर्ष का प्लॉट काफी कुछ इंस्पायर्ड था सन 1991 में आई एक अमेरिकन फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्ब से, जिसके लिए उस टाइम पर मीडिया में इस फिल्म को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन फिल्म में प्रीति जिंटा, आशुतोष राणा और अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग ने लगभग सारे ही क्रिटिक्स को इम्प्रेस किया था। इस फिल्म के बहुत सारे सीन दिल्ली तथा उसकी आसपास की लोकेशंस पर और फिल्म के बहुत सारे सीन हिमाचल प्रदेश में मनाली के आसपास की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए थे। और इस फिल्म में आशुतोष राणा के अपनी उंगली को लिप्स पर रखकर चिल्लाने वाली आवाज को लोगों ने काफी पसंद किया था और ये उस टाइम पर एक बहुत ही यूनिक आवाज थी। और बाद में आशुतोष राणा की इस आवाज को टीवी सीरियल संकट मोचन महाबली हनुमान में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर यूज किया गया था। और इस फिल्म में आशुतोष राणा के द्वारा निभाए गए विलेन के कैरेक्टर के बाद आशुतोष राणा को उस टाइम पर बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट विलेन्स में काउंट किया जाने लगा था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म संघर्ष से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई थी और इस फिल्म का एक गाना मुझे रात दिन मेरे वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और इस फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अक्षय कुमार की अगली कौन सी मूवी के बारे में आप अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि चैनल पर अपलोड होने वाली नई मूवी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।